कंटेनर का साइज कैसे पता करेगा? कंटेनर ऐसे तो देख 20 फीट 40 फीट तो देखने से पता चल जाएगा कि बड़ा है तो 40 फीट है, छोटा है तो 20 फीट है, दो ही साइज आता है इसमें। 40 फीट में एक आता है क्यूब। अब हाई क्यूब कंटेनर में हाइट ज्यादा रहता है, मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी ये जो है नॉर्मल कंटेनर है, ये जो है 20 फीट कंटेनर है। कौन सा है? 20 फीट। 20 फीट कंटेनर में इसमें पेलोड मैक्सिमम कैपेसिटी कितना भर सकते हैं अंदर? 28,230, मतलब अप्रोक्सीमेटली कितना टन भर सकते हैं? 28 टन हम जो है अंदर भर सकते हैं। और दूसरा इसका CBM कितना है? इसका CBM जो है 33 CBM है। इसका जो 33 CBM इसके कार्गो है, मतलब CBM जो है अंदर कार्गो भर सकते हैं। वॉल्यूम में, वजन में कितना भर सकते हैं? 28 टन भर सकते हैं, 28 टन, अराउंड 28 टन। और उसका वॉल्यूम में CBM में होगा तो कितना जाएगा? 33 CBM जो है इसके अंदर जाएगा, 33 CBM जाएगा। तो इस हिसाब से जो है कंटेनर का साइज आता पता चलेगा। अगर 40 फीट रहता है ना, तो 40 फीट में दो आते हैं, 40 फीट GP जनरल पर्पज एंड 40 फीट हाई क्यूब। 40 फीट हाई क्यूब में 76 CBM रहता है। कितना? 40 फीट हाई क्यूब होगा, समझो ये 40 फीट हाई क्यूब कंटेनर है। तो इसका हाइट में भी क्वेश्चन लिखा है, 9.6 इंच का रहेगा, 9 फीट 6 इंच का रहेगा हाइट। ऊपर ये है 40 फीट हाई क्यूब कंटेनर है। और दूसरा आता है 40 फीट GP जनरल पर्पज आता है, उसमें 67 CBM रहता है। कितना? 67 GP। एंड हाइक सबसे बड़ा जो आता है सबसे अच्छा, और इसका कैपेसिटी कितना है? 28,610। 28 टन, 28.6 टन भर सकते हैं इसके अंदर, उससे ज्यादा नहीं। इसका कैपेसिटी क्योंकि इंटरनेशनल लॉ है, इंटरनेशनल रूल है, तो इस हिसाब से आपको भरना पड़ेगा। तो इस हिसाब से पूरा जो है कंटेनर का साइजिंग आएगा। अब आपको देखो, अब आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसका आपको फोटो मैंने दिया है, गूगल से भी निकल सकता है, प्रैक्टिकल नो थ्योरी, कि इसका साइज इनर क्या है, आउटर क्या है। अब समझो ये सो साइज है, ऐसे 8 फीट है, तो हमारे बॉक्सेस कितने हैं? 2 फीट के बॉक्सेस है। 2 का 1 आएगा, 2 का 2 आएगा, 2 का 3 आएगा, 2 का 4, 8 बॉक्स ऐसे आगे, और ऐसे भी 2 फीट है, तो 1 आएगा, ऐसे समझो 7.5 फीट है, तो कितना आएगा मालूम है? 1, 2, 3, 6, अब तो 1.5 फीट ही बचा, इतना खाली रहेगा। या फिर दूसरा कोई आपके पास कंटेनर है, दूसरा लाइक बॉक्स है आपके पास, तो उसी हिसाब से इसमें बिठाना पड़ेगा। तो पहले से चाइना वाले क्या करते हैं, सबको साइज पर, इंडिया में क्या होता है कि जो नए लोग है उसको पता नहीं है, नए लोगों को क्या है कॉम्पिटिटिवनेस इतना पता नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो चाइना वाले 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ते हैं। क्या है? 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ते। वो कंटेनर के साइज के ही जो है बॉक्सेस बना देते हैं, कंटेनर के साइज के ही बॉक्सेस बना देते हैं। तो इस हिसाब से पूरा होता है। बोलिए, तो कंटेनर का जो है एक कंटेनर, बोला आप कई लोग पूछते हैं सर इसमें कितना सामान आएगा, इसमें कितना, तो इसमें वेट में इतना आएगा, वेट में जो है कितना आएगा? 28,230 किलो, 28 टन आएगा अप्रोक्सीमेटली। और उसका CBM में कितना आएगा? 33 CBM। अब CBM किसी का भी कैसे मेजर करना है, मीटर बाय इंटू मीटर में करेंगे कितना CBM है उतना आ जाएगा, या CBM कैलकुलेटर का भी आप यूज कर सकते हो। सर कंटेनर नंबर बोलते हैं वो ऊपर वाला रहता है, ये कंटेनर नंबर है CREXU264630, ये कंटेनर नंबर है। तो इसी से कोई भी कंटेनर ट्रैक हो सकता है, ऊपर भी जो है ऊपर वाला CREXU9939127, ये कंट्रोल नंबर है। ऊपर अलग है EMC, क्या बोले सर? इसमें अलग है, अलग है क्या? EMC लाइन के हिसाब से होगा ना, एवरग्रीन का है, लाइन के हिसाब से होता है। और कई लोग बोलते हैं कि सर हमें खुद का कंट्रोल लेना हो तो ऐसा खुद का कंट्रोल लेना तो ले सकते, पर इसका ये अप्रूवल लगता है, इंटरनेशनल अप्रूवल आता है इसका, तभी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो इसको। हाँ, तो ऐसा नहीं है कंट्रोल का। आप समझो अभी एक कंट्रोल का फ्रेट कितना मालूम है? 6,00,000-7,00,000 रुपीज है। कितना? 6,00,000-7,00,000 रुपीज है। कंट्रे का वैल्यू कितना मालूम? कितने का कंट्रा आता मालूम है? 1.5 लाख का। ये तो लोहे या वजन में आएगा, किलो के हिसाब से आएगा, तो लोहे का चीज है। बट ये क्या था? ये तो 1.5 लाख को मिल जाएगा, भेजने का लगेगा। पर तो बोले कि सर अगर 6 लाख, पर मेन खर्चा किसका होता है? शिपिंग लाइन का, वो जो शिप है ना वो भाड़ा ज्यादा लेता है। कंट्रे तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। और कई लोग बोलते हैं कंट्रे का शॉर्टेज है कोरोना के कारण, पहले भी नहीं था आज भी नहीं है। प्रॉब्लम क्या मतलब मालूम आपको? शिप नहीं है। क्या नहीं है? शिप नहीं। इसको ले जाने वाला हम आए अभी रास्ते में आए, कंटेनर देखे थे कि नहीं देखे आपने? और अभी दिख रहे हैं ना किधर शॉर्टेज है,
एक पार्किंग यार्ड जब जो है सब भरे पूरे है। ऐसा अहमदाबाद आप देखो कंटर अहमदाबाद ले लो, मुंबई के अंदर तो हम समझो ऐसे कंटर कितने मतलब 10-15 किलोमीटर मुंबई एरिया में जेएनपीटी में हम लोग जाते विजिट करने, कंटेनर ही कंटर मतलब गिन नहीं सकते हो। तो कंटेनर अवेलेबल है बट क्या है शिप में जगह नहीं है, शिप में जगह नहीं है। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये जीव लाइन होता है, जेड लाइन, जिम लाइन, मक्स लाइन, बहुत सारी शिपिंग लाइन है, कॉस्को हो गया, एवरग्रीन हो गया, एपीएल हो गया, तो जो है एमएससी हो गया, मक्स लाइन जो है मक्सा कंट्री में आपको आगे दिखाऊंगा दुनिया की नंबर वन शिपिंग लाइन है, उसका रेट भी थोड़ा ज्यादा होता है। एयरलाइन नहीं होते अपने, ये इंडिगो हो गया, एयर इंडिया हो गया, फिर होता है या कतार एयरवेज, ये सिंगापुर एयरलाइन नंबर वन है। तो सिंगापुर का ज्यादा वो होता है, क्या होता है प्राइसिंग, बट उसका टाइम टू टाइम चलता है। गो एयर का कोई भरोसा, कभी भी फ्लाइट कैंसिल हो सकता है। तो ये लोगों का भी ऐसा, जितना अच्छी लाइन प्रीफर करोगे वो शिप वगैरह कैंसिल नहीं होगा, टाइम टू टाइम काम होगा। क्या होगा? टाइम टू टाइम काम होगा इसका। इधर वो साउथ का मूवी बन सकता है, साउथ के मूवी में ये दिखाते है ना KGF, KGF नहीं दूसरा सूर्या सिंघम, ड्रग्स आता है पकड़ता है, वो पॉट में फाइटिंग होता है उसका, मतलब कंट्री होता है, साउथ का सब सिनेमा में होता है। हाँ, सिनेमा में सब कंट्री होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सीखना चाहते हो? देन ज्वाइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ, लेट्स गो ग्लोबल टूगेदर। थैंक यू।